सो गाइज वेलकम बैक टू द वीडियो। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि किंग ने रिसेंट पॉडकास्ट में इशो बॉय बादशाह भाई को नंबर वन और खुद को नंबर टू बोला था, जिसके बाद उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल भी किया गया। सो इतनी ज्यादा ट्रोलिंग के बाद फाइनली किंग भाई का भी इस चीज पे रिएक्शन आ चुका है। उन्होंने एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखा, एडिट करके कॉन्टेक्स्ट ही बदल दिया बात का, जाके ये पॉडकास्ट देखना जिसको इंटरनेट का अच्छा इस्तेमाल करना आता हो, तुम्हें पता चल जाएगा मैं बात किस बारे में कर रहा था। नेक्स्ट लाइन में किंग भाई लिखते हैं, बीसी चमन योयो हनी सिंह इज अ लेजेंड एंड विल बी अ लेजेंड फॉर एवर, इट्स अ फैक्ट। सो इशो बॉय बादशाह भाई की तरह ही किंग भाई भी इंटरव्यू में कुछ और वहीं रियलिटी में कुछ और दिखते हैं। अब आपका इस पे क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी बैड न्यूज है हनी 3.0 के लिए। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको दो दिन पहले एक वीडियो में बताया था कि योयो हनी सिंह के कुछ गाने अचानक से स्पॉटिफाई से रिमूव हो चुके हैं और वो गाने किसी और लेबल के नहीं बल्कि जी म्यूजिक कंपनी पे ही ड्रॉप हुए सॉन्ग्स हैं। ये सिर्फ योयो हनी सिंह के साथ ही नहीं बल्कि उन सभी आर्टिस्ट के साथ हुआ है जिनके गाने जी म्यूजिक कंपनी पे आए थे। सो बैड न्यूज ये है कि जी म्यूजिक कंपनी एंड स्पॉटिफाई के बीच कुछ लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स को लेकर एक बहुत बड़ा लफड़ा चल रहा है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जी म्यूजिक एंड स्पॉटिफाई की वजह से योयो हनी सिंह को आखिर किस बात का नुकसान। तो देखो यार, हनी 3.0 एल्बम जो आने वाली है ना, वो किसी और लेवल पे नहीं बल्कि जी म्यूजिक कंपनी पे ही ड्रॉप होगी, और अगर इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो हनी 3.0 का एक भी गाना आपको स्पॉटिफाई पे सुनने को नहीं मिलेगा। मतलब हनी 3.0 की आधी रीच तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। सो बहुत ही बेकार न्यूज है ये जो अभी अभी निकल के आई है। अब इसके बस दो ही सॉल्यूशन पॉसिबल है, पहला तो ये कि जी म्यूजिक एंड स्पॉटिफाई के बीच सब कुछ ठीक हो जाए, नहीं तो दूसरा सॉल्यूशन ये कि हनी 3.0 को जी म्यूजिक कंपनी पे ड्रॉप बिल्कुल भी ना किया जाए। मतलब हनी पाजी को कोई और अच्छा लेबल ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि ये एल्बम पूरे 9-10 सालों के बाद आ रही है, तो जी म्यूजिक कंपनी पे ये एल्बम ड्रॉप करके इतना बड़ा रिस्क ना ही लें तो बेटर रहेगा। खैर, आप लोगों का इस पे क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।